नमस्कार दोस्तों, कुमान हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि वर्ष 2020 हमारे लिए बहुत ही ख़राब रहा, लेकिन अब हम अपने इष्ट भगवान या जिन्हें भी हम मानते हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वर्ष 2021 हम सभी के लिए मंगलकारी हो। जैसा कि वर्ष 2020 में कोरोना नामक महामारी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और हमारा घर से निकलना मुश्किल कर दिया था, आज हम उसी पर निबंध की रचना करेंगे, क्योंकि यह अब एक ऐसा विषय बन गया है जो हमारी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कोरोना पर निबंध की रूपरेखा हम किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। नंबर एक, प्रस्तावना। नंबर दो, क्या है कोरोना वायरस। नंबर तीन, वायरस की उत्पत्ति। नंबर चार, कोरोना का प्रभाव। नंबर पाँच, कोरोना से बचाव के उपाय। और नंबर छः, उपसंहार। आप इसे बदल भी सकते हैं, यहाँ तो केवल आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना। कोरोना वायरस उस महामारी का नाम है जिसका नाम आज तक विश्व भर में तहलका मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस का संक्रमण व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इस महामारी का बचाव ही इलाज है। वर्तमान में इस महामारी से निपटने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इससे बचे रहने के लिए हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी हम इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक संक्रमण यानी कि बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। गले में दर्द, फेफड़ों में सूजन, बुखार, उल्टी आदि समस्याएं भी हो सकती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से यानी बहुत जल्दी से फैलता है। यह खांसते या छींकते समय मुँह या नाक से छोटे छोटे पानी के कणों के रूप में बाहर निकलता है, और जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है वह नाक या मुंह से श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ हम कोरोना के बारे में और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा, वायरस की उत्पत्ति। वैसे तो यह वायरस बहुत समय, लगभग 70 से 80 वर्ष पूर्व एक मुर्गी में देखा गया था या पाया गया था। फिर बाद में भी कई जानवरों में इस वायरस की पुष्टि हुई, लेकिन इस वायरस का सबसे विकराल रूप मनुष्यों में वर्ष 2019 में चीन देश के युआन शहर में देखा गया, और अब लगभग पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। अगला है दोस्तों, कोरोना का प्रभाव। कोरोना का प्रभाव वर्ष 2020 में पूरे विश्व भर में देखने को मिला, जिसने विश्व के सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी कमर तोड़ दी। विश्व भर के लगभग सभी देशों ने कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए देश में लॉकडाउन का सहारा लिया, जिससे कुछ हद तक बचना संभव हो सका, लेकिन वहीं देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लंबे समय के लॉकडाउन की वजह से विश्व को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, और हम यहाँ पर कुछ समस्याओं को उजागर भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कोरोना से बचाव के उपाय। कोरोना महामारी के बचने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसे नंबर एक, कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है और वही रखना आवश्यक है। मुंह और नाक पर मास्क या कपड़े, रुमाल, किसी का भी इस्तेमाल अवश्य करें। तीन, घर में लाई गई हर एक वस्तु को सबसे पहले सैनिटाइज करें और साग सब्जी वगैरह को अच्छे से साफ पानी से धोना चाहिए। चौथा है, हाथों को बार बार अच्छे से साबुन से धोएं। नंबर पाँच, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छूने से बचें और उन्हें हाथ न लगाएं और हाथ न मिलाएं किसी से भी, और यदि किसी से मिलना हो तो नमस्ते करें। छः, मोबाइल, लैपटॉप आदि को समय समय पर साफ करते रहें। नंबर सात, खांसते एवं छींकते समय अपने मुंह और नाक को कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छे से ढकें। नंबर आठ, घर के अंदर एवं बाहर साफ सफाई रखें। नंबर नौ,
अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें एवं गर्म पानी पिएं। नंबर 10, अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करवाते रहें। चलिए अब आखिरी और अगला देख लेते हैं उपसंहार। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केवल बचाव ही एक सरलतम उपाय है। वैसे सभी देशों ने इसकी वैक्सीन बनाने का प्रयास जारी है, परंतु अभी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हमारा भी इतना कर्तव्य बनता है कि हम इसके बचाव हेतु सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा दूसरों को भी सुझाव दें, ताकि हम और हमारा देश सभी सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये निबंध कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।